हेलो बच्चों, जो आज टेस्ट था उसका आज सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, जो पहला क्वेश्चन था आज टेस्ट में, पहले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि आपने एक तो मोलैरिटी फाइंड करनी है, एक तो मोलैरिटी काउंट करनी है और दूसरा नॉर्मेलिटी काउंट करनी है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी काउंट करनी है और वो हमारे को ये कह रहा है कि 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजोल्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन था पहला। अब देखो, इस केस के अंदर पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी हमने लिखा था W, दैट इज गिवन मास बाय में मोलर मास M ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। ये हमने फॉर्मूला बनाया था। तो अब उसने हमारे को गिवन मास जो है वो बता रखा है 9.8। तो 9.8 ग्राम अपॉन H2SO4 का जो मोलर मास है वो 98 होता है। H2SO4 हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का मास 16। तो जब इसका मास काउंट करते हैं तो 1 × हाइड्रोजन का मास 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का मास 32, कितने सल्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 4। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो ये 98 ग्राम आ जाएगा। तो 98 ग्राम ये आ गया। वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू 1000, 2 पे कट होगा ये 10 पे, तो 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। अब इसके बाद नॉर्मेलिटी काउंट करनी है। तो देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये था W गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 1000। गिवन मास 9.8। अब देखो, इक्विवेलेंट मास के लिए हमने लिखा था कि जो इक्विवेलेंट मास है वो इक्वल होता है मोलर मास बाय में एसिड के लिए हम लिखते थे इसकी बेसिसिटी। एसिड की लिखते हैं बेसिसिटी, और बेसिसिटी का मतलब क्या था कि कितने नंबर ऑफ एच प्लस आयन ये डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो अब मोलर मास कितना है 98। अब देखो, H2SO4 जो है ये 2H+ डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 49। 49 इंटू यहाँ 500 और यहाँ पे 1000, 2 5, 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4, सॉरी नॉर्मल दैट इज 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इस केस के अंदर एक हमने शॉर्टकट भी लिखा था, इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बेसिसिटी इनटू में मोलैरिटी। तो बेसिसिटी कितनी है 2, मोलैरिटी कितनी आ रही थी 0.4, तो सॉरी 0.2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.4 नॉर्मल। तो आप यहां से भी फाइंड कर सकते थे। जो पहला क्वेश्चन था अपना, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहले पार्ट का आंसर 0.2 मोल आ रहा था, मोल पर लीटर। दूसरे वाले का आ रहा था 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक
ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो दूसरे क्वेश्चन में वो हमारे को ये कह रहा है कि आपने मोल फ्रैक्शन काउंट करना है। आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसमें वो कह रहा है कि 50% तो एसिटिक एसिड है और 50% जो है वो वाटर है। ठीक है। अब देखो इस केस के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर हमने निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमने बनाया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड का फाइंड करना है तो ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये सारे फॉर्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं किसके, वाटर के, और नंबर ऑफ मोल निकालने हैं किसके, एसिटिक एसिड के। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स। अब इस केस के अंदर देखो जो पहले हमारे पास ये परसेंटेज, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड काउंट कर रहे हो तो इसका गिवन मास कितना है, 50 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास निकाल लो। तो कार्बन का मास 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन 3 यहां है और 1 यहां है। देखो कार्बन 2 है तो 12 × क्या कर दोगे, 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है तो 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 24 प्लस 4 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 60। तो क्या कर दोगे अपॉन 60 ग्राम। पॉइंट से पॉइंट कट कर दो तो जब देखो आप इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हो तो 5/6 करना है अपने, तो ये जो वैल्यू है अपने पास ये आ रही है 0.833, 0.833। तो ये नंबर ऑफ मोल आगे किसके, एसिटिक एसिड के। आप ऐसे ही नंबर ऑफ मोल वाटर के निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ अगर हम वाटर काउंट करते हैं तो देखो अब वाटर का भी कितना था, 50% था, तो गिवन मास कितना हो जाएगा, 50 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। तो 50/18 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आपके पास 2.777 आएगी। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आ चुके हैं। अब आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दे सकते हो। तो अगर आप नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 2.777 डिवाइडेड बाय 2.777 प्लस एसिटिक एसिड के कितने थे, 0.833। आप इसको सोल्व करो। तो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपॉन आ रहा है 3.611 तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 0.769। ठीक है। तो अब फिर हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। भाई टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आता है, 1 के। आपने ये फाइंड कर लिया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक एसिड जो है ये 1 − 0.769 है। आप माइनस कर दो तो ये आपके पास 0.230 आ रही होगी वैल्यू।
तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन था उसके ये दो आंसर थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो 0.769 आ रहा था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड है जो वो 0.230 आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज दे रखी थी, डेंसिटी दे रखी थी HCl की। देखो थर्ड स्टेटमेंट में वो हमारे को ये कह रहा है आपने एक तो मोलैरिटी काउंट करनी है, एक तो आपको मोलैरिटी निकालनी है, और दूसरा कह रहा है कि आपको इसकी मोलैलिटी काउंट करनी है। मोलैरिटी और मोलैलिटी काउंट करनी है, और वो हमारे को कह रहा है कि 37% HCl है, 37% HCl है, वेट बाय वेट है, और इसकी जो डेंसिटी है वो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी जो है वो काउंट करनी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो उसने हमारे को वेट बाय वेट परसेंटेज कह रखी है, तो पहला डब्ल्यू किसके लिए लिखते हैं हमेशा सोल्यूट के लिए, दूसरा डब्ल्यू किसके लिए लिखते हैं आप सोल्यूशन के लिए। तो भाई सॉल्यूशन डब्ल्यू का मतलब ग्राम, तो सॉल्यूशन ग्राम में है, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है अपने पास, क्योंकि आप परसेंटेज 100 से निकालते हैं, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है इसमें। वो हमारे को ये कह रहा है देखो सॉल्यूट भी किस में है, ग्राम में, तो 37 ग्राम क्या होगा भाई अपने पास HCl, और बचा हुआ जो 63 ग्राम है वो अपने पास क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमें पहले फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड करना है और मोलैरिटी फाइंड करना है। आप दोनों के फॉर्मूले लिख लो, मान लो कि पहले अगर मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो मोलैरिटी के लिए क्या लिखते थे, W दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन M, टू दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये था। अब आप सेम बेसिस पे जब मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाते हो तो मोलैरिटी के लिए हम लिख रहे थे W बाय एम टू, टर्म सेम, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इनटू यहां पे क्या आएगा 1000। ये फॉर्मूला है किसका, मोलैलिटी का। तो अगर आप सीधा पहले मोलैलिटी फाइंड करें तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 37, मोलर मास होता है इसका 36.5, क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 होता है, तो HCl का मास जो है वो 36.5 आएगा। तो ये आपने रख दिया इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देखो सॉल्वेंट का मास ग्राम में कितना है 63 इंटू में 1000। तो भैया आप यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हो, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपको ये ध्यान रखना है टर्म्स का, यहाँ पे क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 37 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 63, तो भाई ये वैल्यू जो है अपने पास ये आ रही होगी 16.09 मोलल। ठीक है, अब अगर आप मोलैरिटी निकालते हैं तो देखो गिवन मास कितना है 37, मोलर मास कितना है 36.5। अब यहां पे आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, हमें वॉल्यूम किस में चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, किसका सॉल्यूशन का। यहाँ पे सॉल्यूशन किस में दे रखा है उसने, ग्राम में। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, यूजिंग डेंसिटी।
देखो डेंसिटी जो है ये किसके इक्वल होता है, मास बाय वॉल्यूम के। डेंसिटी किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम के। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब जो है ये किसके इक्वल होगा, मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना लेके चल रहे हैं आप, 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम कैंसिल तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो 100 बाय 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये आपके पास आएगा भाई 83.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 83.33 इंटू में यहाँ क्या आएगा, 1000। तो यह इसको आप जब सोल्व कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी 36.5 डिवाइडेड बाय 83.33। तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास 12.16 आ रही होगी अप्रोक्सीमेटली, मोलर, दैट इज मोल पर लीटर। तो जो भाई क्वेश्चन नंबर 3 था अपना, क्वेश्चन नंबर 3 के दो आंसर थे, मोलैरिटी का आंसर था 12.16 और जो मोलैलिटी था उसका आंसर था 16.09। ठीक है, इसके बाद देखो जो लास्ट क्वेश्चन था अपना, उसके बाद वो हमारे को कह रहा है कि आपको एक तो मोलैलिटी काउंट करनी है, एक आपको मोल फ्रैक्शन काउंट करना है। मोलैलिटी भी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। किसका, सोल्यूट का। मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और वो कह रहा है कि सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी बता रखी है, मोलैरिटी जो है वो 0.6 मोलर है और इसकी जो डेंसिटी है वो 0.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो सोल्यूट है वो NaOH है और इसका जो मास है वो कितना है, 40 ग्राम मोल इनवर्स। ये मोलर मास है सोल्यूट का, ये आपा को क्वेश्चन गिवन था भाई, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ऑफ सोल्यूशन हैविंग मोलैरिटी दैट एंड डेंसिटी दैट एंड सोल्यूट ऑफ दैट सोल्यूशन इज NaOH विच हैज मोलर मास 40 ग्राम मोल इनवर्स। सो इन दैट क्वेश्चन वी विल यूज दैट डायरेक्ट रिजल्ट्स वी हैव डिस्कस्ड और वी हैव डिराइव्ड। जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो डेरिवेशन के अंदर आपने डायरेक्ट रिजल्ट निकाले थे। अगर आप वैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये कभी सोल्व नहीं होने वाला आपसे, आपको वो फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखने हैं। तो एक अपने फॉर्मूला यहां पे डिराइव किया था मोलैरिटी का और मोलैलिटी का, मोलैलिटी मोलैरिटी और मोलैरिटी में अपने एक रिलेशन निकाला था। तो मोलैलिटी अपने ये लिखा था कि जो मोलैलिटी है वो इक्वल होगा कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी, अपॉन 1000 D। यहां पे D जो है ये डेंसिटी है सॉल्यूशन की, माइनस M m2, M फिर से मोलैरिटी, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू में 1000। ये आपने फॉर्मूला लिखा था मोलैलिटी का। तो अब आप डायरेक्टली वैल्यू यहां पे पुट कर दो। देखो मोलैरिटी बता रखी है मतलब कैपिटल एम बता रखा है, डेंसिटी बता रखी है मतलब डी बता रखा है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको बता रखा था, तो आपको क्या निकालनी थी, मोलैरिटी। तो इस केस के अंदर जब आप इसको सोल्व करते हो तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, 0.6 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.96 माइनस
कैपिटल एम की वैल्यू 0.6 इंटू मोलर मास कितना है 40 इंटू में यहाँ क्या आएगा 1000। तो भाई आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.6 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 96/100 लिख सकते हो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा 960 माइनस 0.6 इंटू 40, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6/10, 0 से 0 कट गई तो ये कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे क्या आ रहा होगा 1000। तो ये हमारे पास बनेगा 6/10, इसको 6/10 लिख सकते हैं इंटू में 1000 अपॉन 960 में से 24 माइनस कर दो, तो ये वैल्यू आपके पास आ रही होगी 936। अब आपने कैलकुलेशन करनी है और आपने इसको सोल्व करना है, तो देखो आप कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आएगा, आप पहले कट कर दो इसको, कट करेंगे तो 0 से ये 0 कट हो रहा होगा, 3 पे कट हो जाएगा पहले 3 1 2, 2 पे कट हो जाएगा 1 5 6। तो अब अपने पास क्या बच रहा है भाई, 100 डिवाइडेड बाय 156। तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो 100 डिवाइडेड बाय 156, तो ये हमारे पास आ रहा होगा 0.641। तो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहले पोर्शन का आंसर आ रहा होगा वो आंसर आ रहा होगा 0.641। अब देखो मोलैलिटी तो फाइंड होगी, अब हमने दूसरा लिखा है एक कि हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, मैंने आपको उसका भी डेरिवेशन कराया था, और अपन ने डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला यूज करना है और ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है। अब देखो मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का जो रिजल्ट था वो ये था एक्स ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है ये इक्वल होगा कैपिटल एम बाय कैपिटल एम प्लस 1000 डी माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन। कैपिटल एम मोलैरिटी अभी अपन ने सोल्व किया, ये डी डेंसिटी, एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और एम वन जो है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इस केस के अंदर सॉल्यूट क्या बता रखा है आपको, NaOH, तो आप क्या निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, और ये किसके इक्वल आएगा, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, मोलैरिटी बता रखी है उसने हमारे को 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 1000 डी माइनस एम टू, अभी आपने सोल्व करा है 1000 डी माइनस एम टू सोल्व किया था अभी आपने, और ये वैल्यू 936 आ रही थी, अभी आपने कैलकुलेशन करी थी 1000 इंटू 0.96 माइनस 0.6 इंटू 40, तो ये जो वैल्यू है ये 936 आ रही थी, अभी आपने सोल्व करा है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो सॉल्वेंट अगर उसने कुछ नहीं बता रखा तो यहाँ पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वाटर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर कितना आ जाएगा 18, अब आप इसको सोल्व कर दो, तो आप कट कर लो इसको, जब आप इसको कट करोगे तो पहले 6 पे कट हो जाएगा 3, फिर आगे 3 पे कट होगा ये, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 52। तो भाई ये अपने पास क्या आ रहा है 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 32, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 32.6, आप कैलकुलेशन सोल्व कर सकते हो, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व कर रहे होगे तो
0.6 डिवाइडेड बाय 32.6, तो ये जो वैल्यू है आपके पास ये आ रही होगी 0.0184। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, सोल्यूट का। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए कह दे तो ये आप पढ़ चुके हैं कि जो मोल फ्रैक्शन टोटल होगा वो हमेशा कितना आता है, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1 है, ये आपने फाइंड कर लिया, ये वैल्यू ये आ रही है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो गिवन क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो सेकंड आंसर आ रहा था वो 0.0184 आ रहा था, ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद जो आप रिलेटिव क्वेश्चन और कर सकते हो इससे, आप वो चेक करके देख लेना, जो हमारा टेस्ट था उसके अंदर क्वेश्चन यही थे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, विदाउट दोज फाइनल रिजल्ट्स यू कांट सोल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू देम, आपको कहीं नहीं मिलने वाले ये। तो आपको ये ध्यान रखने हैं फॉर्मूले और ये डेरिवेशन याद करके सोल्व करना। ओके, थैंक यू।